तो अब हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर को भी हम देखते हैं. तो इट इज अगेन, इट इज लोडेड विद इंफॉर्मेशन. सारे के सारे यहाँ पे हम यही देखेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, कैसे कैसे हमारे फायदे में काम कर रहा है. तो द फर्स्ट पार्ट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. डे टू डे लाइफ में ये कहाँ काम आ रहा है हमारे. द फर्स्ट पार्ट इज फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट. द फर्स्ट थिंग इज कर्ड फॉर्मेशन. नॉर्मली हमेशा हम बचपन से देखते हैं कि मम्मी हमेशा जामन का दही मंगाती हैं पड़ोसी से, और उसमें बहुत सारा दूध डाल के छोड़ देती हैं, फिर और कोई थे बाद में पूरे क्लास में पूरे कटोरी में बढ़िया दही जम जाती है. तो कर्ड फॉर्मेशन जो है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. कॉमनली दे आर रेफर्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इन्हीं को शॉर्ट में हो सकता है कभी तुम्हें ऐसे लिखा मिल जाए लैब. तो दिस स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड द मोस्ट कॉमन मेंबर इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. अब एनसीईआरटी ने ये कहा है दैट कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क. ऐसा क्यों कहा? कर्ड हैज अ वेरी हाई वाइटामिन B12 कंटेंट, प्लस इट बूस्ट इम्यूनिटी. इम्यूनिटी मतलब क्या है? बॉडी का किसी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता. अब ये जो आप दही खाते हो, तो ये लैक्टोबैसिलस आपके अंदर जा रहे हैं, और ये लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? कोई अनवांटेड पैथोजन उसको मिलता है तो ये उसको किल कर देता है, हमारे तरफ से उसको मार देता है. तो एक तरीके से हमारे बॉडी के लिए भी डिफेंस का काम कर रहा है. तो दैट इज वाई इट बूस्ट इम्यूनिटी. फिर आते हैं प्रोबायोटिक्स. सबने कभी ना कभी टीवी पे याकुल्ट का एड देखा है, छोटी सी डिब्बी आती है याकुल्ट, देखा है? करेक्ट. तो याकुल्ट वाली चीजें जो हैं, दे आर रेफर्ड एज प्रोबायोटिक्स. ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उन्हें आप कंज्यूम कर सकते हो. कंजम्पशन के लिहाज से, खाने के लिहाज से दे आर परफेक्ट. तो जो आप याकुल्ट देखते हो उसमें है लैक्टोबैसिलस केसी. लैक्टोबैसिलस का ही एक दूसरा स्पीशीज है लैक्टोबैसिलस केसी, उसका मेंबर है. इसके अलावा चीज बनाने में टॉम एंड जेरी देखा है सबने? टॉम एंड जेरी में देखा है ना, वो जेरी जो जो चीज खाता है, बड़े बड़े होल्स वाले चीज, दैट इज योर स्विस चीज. इसके लिए जो माइक्रोब है, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए. नाम में ही है, बैक्टीरिया है. चीज की 200 से भी ज्यादा वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक वैरायटी है रॉकफोर्ट चीज, इसके लिए पेनिसिलियम रॉकफोर्ट है. एंड द अदर इज कैमेम्बर्ट चीज, इसके लिए पेनिसिलियम कैमेम्बर्ट है. ये उसकी मैच्योरेशन और राइपनिंग कराते हैं चीज की. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया जाता है? वो पूछेंगे कि भाई चीज प्रोडक्शन बैक्टीरिया से किस में हो रहा है, तो स्विज में. फंगल मैच्योरेशन किस में है? रॉकफोर्ट और कैमेम्बर्ट में. फिर ब्रेड बनाने में, लीवनिंग ऑफ ब्रेड. हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना खमीर उठाना, तो उसको बोल रहे हैं हम लीवनिंग ऑफ ब्रेड. जो ब्रेड की डो होती है, वो जो आपने आटा लगा रखा है ब्रेड का, वो फूल जाता है. क्यों फूलता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की वजह से, क्योंकि बेकिंग में मदद कर रहा है. तो इसको कहा जाता है बेकर्स ईस्ट. बेकिंग में मदद करता है, ठीक है? तो ब्रेड बनाने के काम आया. इसके अलावा फिश, बैम्बू, सोयाबीन, इन सब को फर्मेंट करके रखा जाता है, तो उसमें भी माइक्रोब्स की मदद ली जाती है फर्मेंटेशन में. फर्मेंटेड सैप ऑफ कैरियोटा ओरंस, एक बहुत कॉमन पाम वैरायटी है, गूगल पे इमेज देखना तुम्हें आसपास मिलेगा, उसे हम बोलते हैं कैरियोटा ओरंस. इसके सैप को भी ईस्ट से ही फर्मेंट कराया जाता है. ये काम भी ईस्ट से ही करा रहे हैं. अब साउथ इंडिया, एनसीईआरटी ने लिखा है कि साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, लेकिन साउथ इंडिया के अलावा ये नॉर्थ इंडिया में बिहार बंगाल साइड में ताड़ी का रस के नाम से भी मिलता है. वहां पे उन्होंने इसको इंग्लिश वर्जन में टोडी लिखा हुआ है. एंड इसके अलावा डोसा इडली बनाने के काम आते हैं.
डोसा इडली बनाने के लिए ल्यूकोनोस्टोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। डोसा इडली बनाने के लिए भी, इडली के लिए तो कम लेकिन डोसे के लिए भी, बैटर बना के ओवरनाइट छोड़ा जाता है जिससे कि बैक्टीरिया उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाए और तब जाके आपके डोसे एकदम फ्लफी बन पाते हैं। कई कई जगह आप भटूरे खाते हो ना, भटूरे फ्लफी होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? भटूरे के आटे में खमीर मिलाया जाता है जिससे कि उसमें ये स्वेलिंग वाला इफेक्ट है, तो काफ़ी ब्रेड एकदम फ्लफी ब्रेड हो जाती है फिर वो वाली हमारी। तो कर्ड फॉर्मेशन, प्रोबायोटिक्स, चीज प्रोडक्शन, ब्रेड मेकिंग, डोसा इडली मेकिंग, बैम्बू सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए और ताड़ी का रस बनाने के लिए, इन सब में ये अलग अलग माइक्रोब्स हैं जो हमारे पास यूज हो रहे हैं। फिर इंडस्ट्रीज में, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे मशीन होती है, उनको फर्मेंटर कहते हैं, जिसके अंदर फर्मेंटेशन होती है और इन फर्मेंटेशन से हमें मिलते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस, फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस में बस डिफरेंस ये है कि बियर और वाइन जो है दे आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, दे आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, तो इनका अल्कोहल परसेंटेज कम होता है। विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बियर एंड वाइन आर प्रिपेयर्ड बिफोर डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका आफ्टर, और ये सारे के सारे हैं इनके सोर्सेस। बियर जो होती है बारले मॉल्ट से बनती है और बियर बनाने के लिए भी टू मेक बियर यू अगेन नीड द सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई से ही बियर भी बनवाई जाती है, तो सैक्रोमाइसिस को ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। बेकिंग ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, दोनों सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को बोला जा रहा है। अगर हम वाइन की बात करते हैं तो वाइन के लिए सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस काम करता है, इसको स्पेशली इसीलिए वाइन ईस्ट कहा जाता है। सैक्रोमाइसिस के बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स को फर्मेंट कराती हैं, ग्रेप जूस हो गया या कोई और भी फ्रूट जूस हो गया, इट कुड बी ग्रेप जूस और इट कुड बी एनी अदर फ्रूट जूस, और ये साथ में इन सब की लिखी हुई है अल्कोहल की परसेंटेज, दैट हाउ मच अल्कोहल डू दे कंटेन। तो बियर और वाइन में अल्कोहल लेवल कम है और बाकी सबके अंदर अल्कोहल लेवल इज टूवर्ड्स द हायर साइड। तो विस्की सीरियल से बनती है, ब्रांडी भी फ्रूट जूस से है। डिफरेंस क्या है कि ब्रांडी आफ्टर डिस्टिलेशन मिलेगी, वाइन बिफोर डिस्टिलेशन। मोलासेस से रम, शुगरकेन का जो बचा हुआ हिस्सा है दैट इज मोलासेस, राई के माल्ट से जिन, पोटैटो से वोडका। फिर हमारे पास आता है माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में सेकेंड एस्पेक्ट, उसका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की हम जब बात करते हैं तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग, लेकिन अगेंस्ट लिविंग किसके? बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया को किल करेगा, हमें किल नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन जो था दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज डन बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। उन्होंने ये देखा कि कुछ पेट्री डिशेस के अंदर एक फंगस उग रही है। उन्होंने कहा जहां पे फंगस है वहां पे बैक्टीरिया उगना छोड़ चुका है, तो उनको ये डिस्कवरी हुई। द सोर्स वॉज पेनिसिलियम नोटेटम।
सोर्स वॉज पेनिसिलियम नोटेटम. तो उन्होंने तो बस ये देखा था कि हाँ जी ये कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, पेनिसिलियम से आया तो उसको पेनिसिलिन नाम दे दिया. और उन्होंने क्या कहा कि भाई ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, स्टाफाइलोकोकस को ग्रो नहीं होने दे रहा. इसका फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय चेन एंड फ्लोरी. अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने इसका एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल पता किया कि ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकस के ही नहीं और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर सकता है. तो इसको अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया था. और तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था 1945 में. तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. करता क्या है ये पेनिसिलिन? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये उसको बनने नहीं देता अच्छे से. इट स्टॉप्स सेल वॉल फॉर्मेशन. दूसरा बैक्टीरिया जो है हमारा, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, कॉमनली सॉयल में बहुत मिलता है आराम से ये. और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स, ऑल ऑफ देम आर एंटीबायोटिक्स. सारी की सारी एंटीबायोटिक हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के अलग अलग स्पीशीज से निकल के आ रही होती हैं. इनके अलावा एक एंटीबायोटिक है बेसीट्रेसिन, एक एंटीबायोटिक है सबटाइलिन. तो बेसिट्रासिन का जो सोर्स है दैट इज बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस. सबटाइलिन का सोर्स इज बेसिलस सबटाइलिन. तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रीज में स्पेशली केमिकल्स बनाने के लिए काम आते हैं. तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सोर्स इज एसिटोबैक्टर एसिटाई. सिट्रिक एसिड का सोर्स एस्परजिलस नाइजर, फंगस है. एसिटोबैक्टर इज अ बैक्टीरिया. एस्परजिलस इज अ फंजाई. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस फंजाई. तो सिट्रिक एसिड का सोर्स ब्यूटायरिक एसिड के लिए क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस, इथेनॉल के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. 11th में हम पढ़ते हैं ना एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ईस्ट क्या कराता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. दो बाय प्रोडक्ट निकालता था, CO2 एंड इथेनॉल. तो CO2 की वजह से डो में स्वेलिंग आती है. आटा वगैरह जो है, जो आप लगाते हो, खमीर उड़ जाता है, फूल जाता है. तो बेकिंग में काम आया. इथेनॉल वाला बाय प्रोडक्ट अल्कोहल बनाने में. तो इसीलिए बेकर्स एंड ब्रूअर्स ईस्ट. इसके अलावा अलग अलग एंजाइम्स, यस कमर्शियली एंजाइम्स भी निकाले जाते हैं. लाइपेज एक एंजाइम है. लाइपेज की अगर हम बात करें तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है. लिपिड डाइजेस्टिंग है. डिटर्जेंट्स में स्पेशली यूज किया जाता है तेल के दाग को हटाने के लिए. एंड इसका सोर्स इज कैंडाइडा लाइपोलाइटिका, फंजाई है. पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, ये दोनों फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए काम आते हैं कमर्शियली. फ्रूट जूस क्लियरिंग एजेंट. घर में कभी हम जूस निकालते हैं, काफी ज्यादा हेजी टर्बिड नजर आता है. बाजार का जूस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसमें पेक्टिनेज प्रोटीएज का ट्रीटमेंट है. तो ये जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सब उसमें से रिमूव हो चुके हैं.
पेक्टिनेज का सोर्स एस्पोजिलस नाइजर, प्रोटीएज का सोर्स मोर्टीरला. एंड नेक्स्ट इज अ वेरी स्पेशल मेंबर ऑफ द मेडिसिन वर्ल्ड, दैट इज योर स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स इज स्ट्रेप्टोकोकस. कंफ्यूज मत होना, काइनेज क की साउंड आ रही है, कोकस क की साउंड आ रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं है. स्ट्रेप्टोकाइनेज कम्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस. और ये जो है ये क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है. इसी को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं. टिश्यूज में प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराता है, फिर आगे ब्लड क्लॉटिंग वगैरह को रिजॉल्व करा देता है. तो क्लॉट को ब्रेक कराता है, क्लॉट बस्टर है. एनसीईआरटी ने लिखा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन. हार्ट अटैक जब आता है तो उस टाइम पे इसको दिया जाता है, जिससे कि जहां जहां भी क्लॉट्स हो एकदम से खुल जाएं, डिजोल्व हो जाएं वो क्लॉट्स. तो स्ट्रेप्टोकोकस इज द सोर्स. क की साउंड से कोकस काइनेज याद रखेंगे. बायो एक्टिव मॉलिक्यूल. बायो एक्टिव मॉलिक्यूल आप किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के कहते हो जो नॉन ह्यूमन सोर्स से आता है. दे कम फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स, लेकिन हमारे लिए बहुत कामगर होते हैं, बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए. तो इनको हम बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल. तो एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है हमारे पास स्टैटिन, एंड द अदर इज साइक्लोस्पोरिन ए. स्टैटिन का सोर्स मोनास्कस है, और एनसीईआरटी ने कहा है मोनास्कस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईस्ट. ईस्ट बोलने का क्या मतलब होता है? ईस्ट बोलने का मतलब है दैट इट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई. क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है. हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवली एक एंजाइम है HMG कोई रिडक्टेस, इसको इनहिबिट कर देता है. स्टैटिन जो होते हैं, स्टैटिन्स जो हैं दे रिजेंबल मेवालोनेट. मेवालोनेट इज मेवालोनिक एसिड. तो ये जो मेवालोनिक एसिड है ये इस HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है. मेवालोनिक एसिड इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम. और अगर ये बाइंड कर गया तो आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनवा देगा. स्टैटिन इससे स्ट्रक्चर में मिलता जुलता है, तो ये कॉम्पिटिटिवली एंजाइम के साथ जुड़ता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बंद करा देता है, तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल गिरने लग जाता है क्योंकि न्यू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं हो रहा. एंड साइक्लोस्पोरिन ए इज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट. इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है. कब? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे. आपके बॉडी में कोई और सा ऑर्गन लगा तो बॉडी के पास ये तरीके हैं पहचानने के कि वो सेल्फ या नॉन सेल्फ, किस टाइप का टिश्यू है, अपने ही बॉडी का टिश्यू है या कहीं बाहर से आया हुआ है. तो बाहर से अगर टिश्यू आया है तो इम्यून रिस्पॉन्स तो उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे. लाखों करोड़ों दे के आपने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है वो फेल हो सकता है. तो इनको इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने वाले एजेंट लेके रखने पड़ते हैं. तो ये हमारा आता है फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ये भी हमारा फंगस है, ये भी हमारा फंगस है, ठीक है. तो स्टैटिन्स एंड साइक्लोस्पोरिन आर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स. फिर आता है सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट में ही तुम्हें कभी कभी वर्ड मिलता है STP. तो STP स्टैंड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तीन पार्ट्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज दो चीजें हैं. द फर्स्ट इज योर प्राइमरी ट्रीटमेंट.
प्राइमरी ट्रीटमेंट के दो हिस्से क्या क्या दिख रहे हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले उस कूड़े में, वो जो सीवेज वाटर आ रहा है, उसमें जो भी फ्लोटिंग कूड़ा है, ऑल द फ्लोटिंग डेब्री इज रिमूव। जितना भी तैरता हुआ कूड़ा है पहले सारा वो हटता है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो जैसे छन्नी होती है ना, जाली होती है, तो बड़े बड़े एक चैनल लगे होते हैं, देयर इज अ पाइप, और उसमें बड़े बड़े ऐसे फिल्टर्स लगे हुए हैं, और इन फिल्टर्स में धीरे धीरे बिल्कुल छन्नी की तरह इनका साइज एकदम फाइन और स्मॉल होता जाता है। तो सारा सीवेज पहले यहां से आता है, और जितना भी फ्लोटिंग कूड़ा है वो छनता चला जाता है। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिर सारा का सारा कूड़ा एक बड़े से टैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है, सब इसमें आके डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन। जितना भी ग्रिट है, सॉयल एंड पेबल, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी कुछ है, वो सारा सेडिमेंट हो जाता है। जो भी सीवेज आया, जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है, उसमें से जितना भी पथरीला मटेरियल है जो ग्रेविटी से सेडिमेंट हो पाए, वो सारा सेडिमेंट हो जाएगा। और ये जितना भी सेडिमेंटेड मटेरियल है, ये जो भी सेडिमेंट है, इस सेडिमेंट को कहा जाता है प्राइमरी स्लज। और ये जितना भी फ्लोटिंग पार्ट है, फ्लोटिंग पार्ट को ही सुपरनेटेंट भी कहते हैं, इसे कहा जाता है प्राइमरी एफ्लुएंट। तो सारा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ, फिर सेडिमेंटेशन हुआ। जो फ्लोटिंग पार्ट है वो प्राइमरी एफ्लुएंट, जो सेडिमेंट हो गया वो प्राइमरी स्लज। इस पार्ट को अब भेज दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जितना भी आपका प्राइमरी इफ्लुएंट है उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा, कंकड़ पत्थर को नहीं भेजेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब आप देखोगे कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है, इसीलिए यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वर्ड भी आता है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले बड़े बड़े एरेशन टैंक हैं, सारा प्राइमरी इफ्लुएंट एक और टैंक में डालते हैं जिसको बोलते हैं एरेशन टैंक। उसमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई बनाई जाती है। किसको भेजा है? प्राइमरी इफ्लुएंट को भेजा। किस में भेजा? इनटू द एरेशन टैंक। हो क्या रहा है? एजिटेटेड मैकेनिकली। एजिटेट करना मतलब उसको मिक्स करना। बड़े बड़े पैडल लगे होते हैं, मोटराइज्ड पैडल्स हैं, वो उसको चलाते रहते हैं, सारे वेस्ट वाटर को मिक्स करते रहते हैं। तो मैकेनिकली एजिटेटेड, और प्रॉपर एयर पंप्स लगाए जाते हैं जैसे फिश एक्वेरियम्स में होते हैं। तो जब सारा मैकेनिकल एजिटेशन चल रहा है तो भी एटमॉस्फेरिक एयर मिक्स हो रही है, और डेप्थ में टैंक के एयर पंप्स लगा दिए जाते हैं जैसे फिश एक्वेरियम्स में दिखते हैं, कि पूरे टैंक में अच्छे से ऑक्सीजन रिच कंडीशन बन जाए। ये सारे काम क्यों कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन रिच बनाने के लिए। क्या फायदा मिलेगा ऑक्सीजन रिच बनाने से? तो ये लिखा आगे, दिस अलाउज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, और वो बनाते हैं फ्लॉक। एरोबिक माइक्रोब को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक क्या है? बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट, उसको फ्लॉक्स कहते हैं। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो इनका नेचर क्या हो गया? ये जो फ्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर एरोबिक, और ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा।
दे आर गुड हेटरोट्रॉफिक। बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, ठीक है। और इस लार्ज एरेशन टैंक में इनको तब तक रखा जाता है जब तक कि बीओडी कम नहीं हो जाती। अगर बीओडी ज्यादा है, ग्रेट बीओडी मतलब मोर पोल्यूटिंग लेवल, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन का लेवल होगा। बीओडी क्या चीज है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर बाय बैक्टीरिया। 1 लीटर गंदा पानी है, उसमें से सारा ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया? तो दैट इज योर बीओडी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने 1 लीटर पानी में सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लिया है, कितना ऑक्सीजन यूज किया वो कहलाता है बीओडी। जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल टू पल्यूट। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें एक पार्ट हो गया एरेशन टैंक का, जब बीओडी पूरी रिड्यूस हो जाती है, फिर सेकेंड पार्ट में फिर से सेडिमेंटेशन कराया जाता है। अब सेडिमेंटेशन कराते हैं तो फिर से दो पार्ट आएंगे। फ्लोटिंग पार्ट को बोलते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट, और जो सेडिमेंट हो रहा है पार्ट, द पार्ट विच इज बीइंग सेडिमेंटेटेड इज नाउ रेफर्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, और बाद में फिर अगर जरूरत पड़े तो टर्शरी ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। टर्शरी ट्रीटमेंट को अगर हम देखेंगे तो इस टर्शरी ट्रीटमेंट में डायग्राम अगर हम देखें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल एक और टैंक में आता है। इस टैंक में लगे होते हैं एयर पंप, इस टैंक में लगे होते हैं बड़े बड़े पैडल। प्राइमरी ट्रीटमेंट से सारा प्राइमरी एफ्लुएंट इसमें आया। ऑल द प्राइमरी इफ्लुएंट केम। तो इस टैंक को हम क्या बोल रहे हैं? अपना एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में जब बीओडी सफिशियंटली कम हो जाएगी तब इस सारे एफ्लुएंट को फिर भेजा जाएगा दूसरे टैंक में। दिस टैंक इज नाउ नोन एज सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। कुछ पार्ट होगा जो अभी भी फ्लोटिंग फॉर्म में, ऊपर लिक्विड है सारा, और कुछ पार्ट है जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। तो जो सेटल डाउन वाला पार्ट है इसमें आपके फ्लॉक्स हैं, इसको आप बोल रहे हो एक्टिवेटेड स्लज। इसके थोड़े से हिस्से को एज इनोक्यूलम, इनोक्यूलम मतलब स्टार्टर, जैसे जामन के दही में जामन डालते हैं, तो एज अ स्टार्टर इसको भेज दिया जाएगा लार्ज एरेशन टैंक में, जिससे कि उसके आसपास जल्दी जल्दी बैक्टीरिया फंगस इकट्ठा हो पाए। और बाकी जो मेजर पार्ट है उसे भेज दिया जाएगा एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। कहाँ भेज रहे हैं? एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और यहां से इससे निकाल ली जाएगी बायोगैस। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन था और हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन हुआ।
प्राइमरी इफ्लुएंट को भेजा एरेशन टैंक में, बड़े बड़े मोटराइज पैडल से मैकेनिकली एजिटेट हो रहा है, एयर पंप से हवा आ रही है, फ्लॉक्स का नंबर बढ़ रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर खाते जा रहे हैं, बीओडी कम होती जा रही है। एक बार बीओडी सफिशेंटली कम हो जाए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग बीओडी शुड बी लेस देन 30 PPM, पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन, तो बीओडी का लेवल शुड बी लेस देन 30 PPM, तब आप मानोगे कि हाँ अब ये पानी ज्यादा पोल्यूटिंग नहीं है। तब उस वाटर को भेजा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, यहां पर फ्लॉक सेटल डाउन हो गए, उसको बोला एक्टिवेटेड स्लज, थोड़ा सा पार्ट स्टार्टर के टैंक में भेज दिया जाएगा और बाकियों को बायोगैस बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये सारा पार्ट हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये जो सारा पार्ट चल रहा है, दिस पार्ट इज दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एरेशन टैंक एंड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब ये जो फ्लोटिंग मटेरियल है ऊपर का, अब इसे कहा जाता है सेकेंडरी एफ्लुएंट, या तो इसे नियर बाय वाटर बॉडी में छोड़ दो या इसे भेज दो टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। टर्शरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है वापस से आपको एकदम प्योर वाटर के लिए। इट इज डन टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर, द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग अगेन। पूरा पानी रिसाइकल हो गया, यहाँ पे यूवी की मदद लेंगे, ओजोन की मदद लेंगे, आयोडीन की मदद लेते हैं, एलम की मदद लेते हैं, आरओ सिस्टम्स की मदद लेते हैं, माइल्ड डिस इन्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, तो सारा का सारा पानी पूरा प्योरीफाई हो जाता है आपका, प्रॉपर फिल्ट्रेशन, यूवी, ओजोन, आयोडीन, एलम, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस इन्फेक्टेंट, सब का ट्रीटमेंट देके द वाटर बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग अगेन। तो इस तरीके से सारा सीवेज ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, सिंगल डायग्राम से अगर देखें तो इस तरीके से सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगी, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद देयर इज अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन का टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद इसमें सारा का सारा हमारा एजिटेशन होगा, एजिटेशन के बाद आएगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो फर्स्ट स्टेप सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन देखी थी हमने, फिर हमने देखा था दैट देयर इज अ प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये इतना पार्ट हो गया हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट का। फिर हमने कहा था वी हैव दी लार्ज एरेशन टैंक एंड वी हैव दी सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ये पार्ट हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का। इसके बाद जो भी वेस्ट वाटर होगा वो आगे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके अलावा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास बायोगैस का। तो बायोगैस इज नॉट जस्ट वन गैस,
बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑफ मीथेन, 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड रफली 10% है। कैलोरीफिक वैल्यू, कितनी एनर्जी देता है ये। तो अगर बायोगैस में 50% मीथेन है, आपके पास मिक्सचर है गैसेस का और उसमें 50% मीथेन है, तो द कैलोरीफिक वैल्यू कम्स आउट टू बी 4,429 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में IARI और KVIC ने स्टार्ट की थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिल के ये चीज़ निकाली। भाई इंडियन सिस्टम्स में बहुत टाइम से हो रहा है कि जो भी आपका कैटल होता था उसका जो भी वेस्ट है उससे काउडंग्स बनाए जाते थे, जो बोलते ना गोबर के उपले वगैरह बनाए जा रहे हैं, कंडे बनाए जा रहे हैं, उनको बर्न करके चूल्हा जलाया जाता था। इस चीज़ को उन्होंने थोड़ा फॉर्मलाइज कर दिया। जितना डोमेस्टिक सीवेज है और जितना भी कैटल का वेस्ट है उसको पानी वगैरह के साथ मिला के बायोगैस में फीड कर देते हैं, बायोगैस प्लांट के अंदर। काओ डंग, मिथेनोजन प्लस योर सीवेज, कैसा सीवेज? सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल सीवेज। कोई फार्म का वेस्ट है, हार्वेस्टिंग का वेस्ट है, कोई डोमेस्टिक का आपका खाने का वेस्ट है, कोई सब्जियों के छिलके वगैरह फेंके पड़े हैं, ये सारा है बायोडिग्रेडेबल मैटर है। तो इसको काउडंग मिथेनोजन वगैरह के साथ मिक्स कर दिया जाता है और इस तरीके से इनपुट ये रहा यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ये नीचे के लेवल पे ओपन हो रहा है, अंदर चलेगी सारी की सारी प्रोसेस। क्या प्रोसेस चलती है? फर्स्ट इज सोल्यूबलाइजेशन। भाई जितना भी वो लार्ज मैटर है बायोडिग्रेडेबल मैटर, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में पहले ब्रेक कराना होगा। तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज वेस्ट इनटू स्मॉल। तो बेसिकली वो जो आपका सबसे पहला लेवल है ना, वो डिकम्पोजिशन का ही है। एकदम अच्छे से उसको डिकम्पोज करा दिया। डिकम्पोज होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल स्मॉलर साइज का है, उससे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करा के उसकी एसिडोजेनेसिस, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं। उन ऑर्गेनिक एसिड से सबसे अल्टीमेटली बनेगा एसिटिक एसिड, तो उसे बोलते हैं एसिटोजेनेसिस। एंड द लास्ट इज एसिटिक एसिड से मिथेनोजेंस या मिथेनोबैक्टीरियम आपका मीथेन बनाएंगे। तो सोल्यूबलाइजेशन, एसिडो एंड एसिटो। एसिडो में रैंडम ऑर्गेनिक एसिड्स बन रहे हैं, एसिटो में उन सब से एसिटिक एसिड बन रहा है, और फिर सारा एसिटिक एसिड मीथेन में चेंज होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। यहाँ पे बायोगैस इस फ्लोटिंग कवर में राइज होके एंटर करती है। फ्लोटिंग कवर राइज होता है और वो सारी गैस पाइपलाइन से चैनलाइज हो जाती है। फ्रेश वेस्ट आता जा रहा है, पुराना वेस्ट ऊपर राइज करके इस आउटलेट में आ जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं स्लज। इसी स्लज को आप एज मैन्योर यूज कर सकते हो। फर्टिलाइजर्स के साथ ये जितना स्लज निकला है उसे एज ए मैन्योर की तरह फार्म में यूज कर लो, वेस्ट नहीं होगा। तो ये सारा है बायोगैस प्लांट का कॉन्सेप्ट। फिर हमारे पास आता है बायो कंट्रोल एजेंट, लिविंग्स को कंट्रोल करने वाले एजेंट। बायो कंट्रोल इज प्योर यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। कुछ भी केमिकल यूज नहीं हो रहा, बायोलॉजिकल चीजें यूज हो रही हैं टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट की डिजीजेस, प्लांट के पेस्ट को कंट्रोल करने के सारे बायोलॉजिकल मेथड्स इज योर बायो कंट्रोल मेथड। यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बायो कंट्रोल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत ही पतली सी लाइन है इनके बीच में। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है दैट यू हैव टू यूज एवरीथिंग बायोलॉजिकल, देर हैज टू बी नो केमिकल्स एट ऑल। कुछ भी केमिकल यूज नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ बायोलॉजिकल चीजें यूज करनी है।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायो कंट्रोल का क्या मतलब है कि बायोलॉजिकल चीजों को यूज करके कंट्रोल किया जा रहा है। तो बायो कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आईपीएम का, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पहले क्या करते थे फार्मर्स, पेस्टिसाइड को छिड़क देते थे तो जो हार्मफुल इंसेक्ट था वो भी मर जाता था, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट था वो भी तो मरेगा ना उससे। फार्मर को तो लगता था मैंने तो अपना हार्मफुल इंसेक्ट मार डाला, प्रोडक्शन बढ़ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट मर गया, अगर वो पॉलिनेटर था आपका, तो थोड़ी कोई अच्छा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो साइंटिस्ट ने बाद में जाके ये चीज सोची, तो दे क्रिएटेड अ सिस्टम जहां पे इंसेक्ट्स जो पेस्ट है दे आर नॉट इरेडिकेटेड, आप जड़ से उनका खात्मा, ये नहीं कि बस इंसेक्टिसाइड डाल और सबको मार दिया, ऐसा नहीं करते। दे आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स, नेचुरल चेक और बैलेंस यूज करके उनको मैनेजेबल लेवल में रखा जाता है, कि जिससे कि आपके पास सारा इकोसिस्टम हेल्दी वे में चलता रहे। ठीक है, मान लेते मेरे पास एक पौधा है, ठीक, अब मुझे पता है कि कोई मेरा मेरा ये इंसेक्ट ए है, ये आके हार्म पहुंचा रहा है, लेकिन मेरे पास एक इंसेक्ट और है इंसेक्ट बी, वो इसको किल करता है और फ्लावर को पॉलिनेट कराता है। अगर तो मैं अब इंसेक्टिसाइड डालूं तो ये तो दोनों ही मर जाएंगे। ये मरा चलो फायदा है, इसके मरने से फायदा थोड़ी होगा, ये तो पॉलिनेटर था। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एक नेचुरल चेक बैलेंस यूज करके आपका जो भी हार्मफुल मेंबर है उसे कंट्रोल में रखा जाएगा, ना कि पूरा का पूरा इराडिकेट, पूरा का पूरा खत्म नहीं किया जाएगा। तो आप इंसेक्ट बी को ज्यादा से ज्यादा लेके आओ अपने फार्म पे, इंसेक्ट ए की पॉपुलेशन नेचुरली कम होती जाएगी और अपने फ्लावर्स के अच्छे अच्छे पॉलिनेशन होते रहेंगे। तो ये था इंटीग्रेटेड तरीके से पेस्ट का मैनेजमेंट। बायो कंट्रोल में सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे, लेडी बर्ड जो होती है छोटी सी होती है ब्लैक और रेड कलर की, वो नेचुरली एफिड्स को खा जाती है। यही एफिड्स हैं जो ब्रासिका में, फ्रूट ट्रीज में बहुत हार्मफुल होते हैं। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को खा जाते हैं, तो नेचुरली मॉस्किटो हमें पता है दे आर कैरियर्स ऑफ डेंगी, चिकनगुनिया, इन सब के वायरसेस। तो ड्रैगन फ्लाइज होंगे तो मॉस्किटो का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, खा जाएंगे उसको वो, तो आपके आसपास मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर है एक बैक्टीरिया, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस, माइक्रोबियल कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो कंट्रोल दिखा रहा है। इट कंट्रोल्स बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। बायोटेक में हम पढ़ते हैं बैसिलस थ्योरिनजेंसिस जो है बैसिलस थ्योरिनजेंसिस के पास एक क्राइजीन होती है, इस क्राइजीन से एक क्राइ प्रोटीन निकलता है एंड दिस इज अ टॉक्सिन, जहर है। किसके लिए जहर है? इन बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के लिए। बटरफ्लाई का कैटरपिलर क्या है? उसका लार्वा है। लार्वा के गट में, जैसे ही लार्वा पत्ते खाता है, पत्ते के ऊपर मान लो तुमने बैक्टीरिया का स्पोर छिड़का हुआ था, अब ये बैक्टीरिया उस लार्वा के अंदर जाके ये टॉक्सिन रिलीज करेगा, टॉक्सिन से उसका इंटेस्टाइन खराब हो जाता है, गट खराब हो जाती है, तो लार्वा मर जाता है।
मार्केट में इसके ड्राई स्पोर्स आते थे स्पोरीन के नाम से। बाद में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आई तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये जो क्राइजीन है ये बैक्टीरिया से निकाली, और बैक्टीरिया से निकाल के कॉटन में डाल दी, टोमेटो के अंदर डाल दिया, ब्रिंजल में डाल दिया। पहले क्या होता था, पोरीन के पैकेट लाते थे, पानी में घुलते थे, छिड़क देते थे, तो पौधे के सरफेस पर बैक्टीरिया होता था। जैसे ही लार्वा पत्ते को खाएगा वो बैक्टीरिया भी उसके अंदर जा रहा था। साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किया, इस क्राइजीन को निकाला और प्लांट्स में डाल दिया। तो अब वो प्लांट के पास ही वो जीन है, बैक्टीरिया की अब जरूरत नहीं है, प्लांट के पास वो जीन आ चुकी है। प्लांट खुद वो टॉक्सिन निकालेगा और उससे बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, ये सारे पौधे आ गए हमारे पास। फिर आता है ट्राइकोडर्मा, फंगस है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, प्री लिविंग फंगस है। और कहाँ पे मिलता है, पौधों के रूट्स के आसपास मिलता है। इट इज अ बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ प्लांट पैथोजेंस, प्लांट के आसपास किसी भी पैथोजन को ग्रो नहीं करने देता है, खुद भी डैमेजिंग नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देता। तो एक प्लांट के लिए बायो कंट्रोल मेथड है बहुत अच्छा। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये जीनस है ऑफ बेक्यूलो वायरसेस। बेक्यूलो वायरसेस जो हैं दे किल इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपॉड्स। जैसे आप सुनते हो ना बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज किसको कहते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया को मारेगा। ऐसे ही एक कैटेगरी है बैक्यूलो वायरसेस जो इंसेक्ट और आर्थ्रोपॉड्स को मारते हैं। उनमें एक जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। स्पीशीज स्पेसिफिक होके काम करता है, नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब एक छोटी सी रेंज है जिसको टारगेट करता है ये। और किसको टारगेट कर रहा है, इंसेक्टिसाइडल इंसेक्ट्स को। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा है बर्ड्स को, मैमल्स को, बाकी लोगों को ये हार्म नहीं करता। फिर आता है कॉकिनियल इंसेक्ट कैक्टोब्लास्टस। इसकी कहानी हमें मिलती है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर। वहां पे दे रखा था कंपटीशन में कि ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस जो है, ओपुंसिया के जो पौधे हैं उनको ग्रो कराया गया। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, एक टाइम पे इतने ग्रो होने लगे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो जहां से उनको लेके आया गया था, ओपुंसिया का जो नेचुरल हैबिटेट था वहीं पे ये इंसेक्ट पाया गया, कैक्टोब्लास्टिस, जो इसको खाता है। तो कैक्टोब्लास्टिस नेचुरली फीड्स ऑन प्रिकली पियर कैक्टस। फिर एक क्रॉप्स की कैटेगरी आती है स्मॉदर क्रॉप्स। स्मॉदर मतलब कुचलना, किसी को दबा देना। तो स्मॉदर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं विच डू नॉट अलाउ वीड्स टू ग्रो। आसपास किसी वीड को ग्रो नहीं करने देते, वो अपने रूट से ऐसे केमिकल्स निकालते हैं और वो शो करते हैं एलीलोपैथी। एलीलोपैथी का यही मतलब है कि एक प्लांट केमिकल्स के थ्रू दूसरे प्लांट को इनहिबिट करता है, दैट इज नोन एज एलीलोपैथी। एलीलोपैथी इज अ फिनोमिना वेयर वन प्लांट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। तो वो जो पौधे ऐसा कर पाते हैं उनको स्मॉदर क्रॉप्स कहते हैं। तो बारले हो गया, राई हो गया, सोरगम, सनफ्लावर। एक तरीका बचपन में हम पढ़ते हैं ना क्रॉप रोटेशन, आपने कोई मेन पौधा लगाया उसको हार्वेस्ट कर लिया, अब इनमें से कुछ को लगा दो कुछ टाइम के लिए। ये अपने रूट से ऐसे केमिकल्स निकाल के छोड़े रहेंगे जिससे कि उस पर वीड्स ना ग्रो कर पाए। बाद में आप इनको हटा लो, सॉइल को अच्छे से एकदम प्लो वगैरह करो, टिलिंग करो, फिर अपने नए पौधे लगा लो, तो वीड्स नहीं ग्रो हो पाते, वीड्स की ग्रोथ कंट्रोल में रहती है। नेक्स्ट इज कैच क्रॉप या ट्रैप क्रॉप। आपके मेन पौधे के साथ आप इन क्रॉप्स को लगाते हो, और ये क्रॉप क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। इंसेक्ट को ये ज्यादा पसंद आते हैं पौधे, तो सारा का सारा इंसेक्ट सिर्फ इसके पास जाएगा और आपके मेन जो पौधा है जिसको कमर्शियली आप ग्रो कर रहे हो उससे बचा लेता है। तो भिंडी, सेसमी, सेसमी इज तिल,
इनके पौधे इंसेक्ट को बहुत पसंद होते हैं, तो तुम मेन कोई भी पौधा लगा लो, साथ में रेगुलर इंटरवल्स पे भिंडी के पौधे लगा दो, तो इंसेक्ट भिंडी के पौधे पे ज़्यादा जाएंगे, तिल के पौधे पे ज़्यादा जाएंगे। तो ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं हम कैच क्रॉप या ट्रैप क्रॉप। ठीक है, मोनो क्रॉप ऐसे क्रॉप हैं जो केमिकल से दूसरे क्रॉप्स को ग्रो नहीं होने देते। ट्रैप क्रॉप एक सेकेंडरी क्रॉप है जो आप लगाते हो और वो इंसेक्ट को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इंसेक्ट को वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये सारे हमारे बायो कंट्रोल के तरीके। फिर आता है बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट। आप लिविंग को, सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, दे कैन ऑल्सो बी यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, राइजोबियम फ्रांकिया सिम्बायोटिक कंडीशन में कराएंगे, प्री लिविंग में नहीं कराते सिम्बायसिस। एजोस्पायरलम अजोटोबैक्टर, और इनके साथ साथ 11th की बुक में से बाइजरिंकिया, ये सारे वो हैं जो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑस्सिलेटोरिया, ये सारे जनरल मेंबर्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कराते हैं। फिर एनसीईआरटी ने ये लिख के छोड़ दिया, देर आर सम मेंबर्स जो राइस में, पैडी फील्ड, पैडी फील्ड आप बोलते हो राइस के फील्ड्स को, तो यहाँ पे ओलोसेरा और टॉलीपोथ्रिक्स मिलते हैं। फंगस हमें पता है माइकोराइजल एसोसिएशन बना लेते हैं। टेरिडोफाइट्स में से अजोला, वो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, इसको भी राइस फील्ड में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अजोला के साथ हमें सिम्बायोटिकली मिलता है एनाबीना अजोली, ये फ्री लिविंग कंडीशन में काम नहीं करता। जैसे राइजोबियम चाहिए तो आप राइजोबियम डायरेक्टली नहीं ला सकते, कोई लेग्यूम होना चाहिए तो ही राइजोबियम वहां पे काम कर पाएगा। ऐसे ही अजोला है तो एनाबीना अजोली आके काम करता है। एंड देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट, अगेन अ यूनिक कॉन्सेप्ट, उसे बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। आप किसी लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कराते हो लेकिन हार्वेस्ट नहीं करते, उसी सॉइल में उसको वापस, टिलिंग जब करते हैं, प्लोइंग जब करते हैं, तो वापस उसी सॉइल में उसको दफना देते हैं वापस से, दे आर प्लोड बैक टू द सॉइल। आप हार्वेस्ट नहीं कर रहे, वहीं पे वापस उसमें मिक्स हो जाता है। तो जब तक ये ग्रो कर रहे थे तब तक अच्छा खासा राइजोबियम आया होगा, खूब अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई होगी, तो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा। फिर जितना भी मैटर है आपने उसको वहीं सॉइल में वापस मिक्स कर दिया, तो वो ह्यूमस डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर रिच करेंगे। तो सेस्बेनिया, ट्राइफोलियम, क्रोटोलेरिया लेग्यूम्स हैं तीनों, फैबेसी के मेंबर्स, इनको यूज किया जाता है। तो ये सारा हमारा ग्रीन मैन्योर का कॉन्सेप्ट है। माइकोराइजा को अगर हम देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो माइकोराइजा जो है दे आर फंगल रूट्स। फंगल रूट्स मतलब फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। दे कुड बी एक्टोमाइकोराइजा या फिर दे कुड बी एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा इस तरीके से एंटर होता है और सेल्स के चारों तरफ ही फैला रहेगा, इस तरीके से फैलेगा। दिस इज दी फंगल हाइफा।
एंड दिस इज द रूट सेल. तो एक्टोमाइकोराइजा, एक्टो मतलब बाहर, रूट के सेल्स के बाहर बाहर घूमते हैं सारे. इन्हीं के फंगल हाइफा को ही यहां पे हार्टिग ने डिस्कवर किया था, जिसको हार्टिग्स नेट कहते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइनस विद बुलेटस. पाइनस हमारा प्लांट है और बुलेटस हमारा बेसिडियोमाइसिटीज का फंगस, बेसिडियोमाइसिटीज कैटेगरी का फंगस है. एंडो को अगर हम देखें तो जैसे नाम से तो चल रहा है अंदर. एंडोमाइकोराइजा अंदर जाके ऐसे गोल गोल वेसिकल्स बना लेते हैं या ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. दे कैन फॉर्म वेसिकल्स या फिर दे कैन फॉर्म ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज आर्बस्क्यूल्स. आर्बस्क्यूल ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं. ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए. और वेसिकल्स स्टोरेज के लिए. तो अंदर जा रहा है तो इसलिए इसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं. और वेसिकल्स और अर्बस्क्यूल्स बनाता है तो इसको कहते हैं वैम. इट इज नोन एज वैम. वी फॉर वेसाइक्युलर, ए फॉर अर्बस्क्यूलर, एम फॉर माइकोराइजा. वेसिक्यूलर, अर्बस्क्यूलर, माइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजास. इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑर्किड्स विद ग्लोमस. ग्लोमस हमारा फंगस में जाइगोमाइसिटीज का कैटेगरी का मेंबर है और ऑर्किड इज द प्लांट. तो माइकोराइजा मतलब माइको इज फंगल, राइजा इज रूट. तो फंगल रूट्स, प्लांट की रूट ने फंगस के साथ एसोसिएशन किया तो फंगस का हाइफा बहुत बड़े एरिया में फैल गया. वो फंगस का हाइफा उसको पानी ला के दे रहा है, उसको मिनरल्स ला रहा है. फंगल हाइफा जो होता है, अगर हम यहाँ पे तुरंत इनके बेनिफिट्स देखें, तो प्लांट को दूर दूर से वाटर और मिनरल मिल रहा है. स्पेशली बहुत अच्छे से फास्फोरस लेके आते हैं ये. इसके अलावा सूखे से, ड्रॉट से बचाते हैं. प्लांट को ड्रॉट टॉलरेंस का फायदा मिला हुआ है. अगर उस सॉइल में सॉल्ट का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो फंगस उसको भी एडजस्ट कर देता है, तो सैलिनिटी टॉलरेंस मिल रहा है. फंगल हाइफा किसी भी अनवांटेड पैथोजन को वहां ग्रो नहीं होने देगा. तो डिजीज रेजिस्टेंस भी मिल रही है प्लांट को, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन भी है. और इन रिटर्न बेचारा फंगस क्या ही मांग रहा है. फंगस ने कहा मुझे रहने की जगह दे दो, तो शेल्टर. और फंगस ने कहा कि मुझे खाना दे दो, तो प्लांट के लीफ रूट को जो भी चीजें भेजते हैं रूट एक्सचेंज कर लेता है फंगस के साथ, इन रिटर्न ऑफ सो मेनी बेनिफिट्स. तो ये माइकोराइजा के फायदे हैं. ऑलराइट, तो दिस कवर्स द चैप्टर स्ट्रेटजीज एज वेल एज माइक्रोब्स. तो ये दो चैप्टर हमारे इस लेक्चर में कवर हो गए. नेक्स्ट वी विल मीट विद इकोलॉजी. ऑलराइट, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड. मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.